आम आदमी पार्टी ने भी 2022 होने वाली पंजाब विधानसभा चोणों लई रणनीति बनाउणी आरंभ कर दी है। अजिहे च आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह ने स्पष्ट कर दिता है कि पंजाब विधानसभा चोण 2022 पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे नाल मैदान च उतरेगी। उन्हें कहा इस बारे फैसला चोणों के नेड़े होगा कि पंजाब की कमान किसके हाथ सौंपी जाएगी, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दरअसल आप नूं पंजाब विधानसभा चोणों 2017 च इस करके भी वड्डी हार का सामना करना पिया क्योंकि उन्हां कोल आखिरी पलों तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं सी। इसलिए पार्टी वह गलती दोहराना नहीं चाहती। पार्टी की कोर कमेटी के मैंबरों और विधायकों नाल हुई बैठक च उन्हां कहा कि नवजोत सिद्धू नूं पार्टी शामिल करने बारे अजे तक उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई। कोर कमेटी की बैठक च विधायकों नूं कहा गया कि पंजाब सरकार अते अकाली बीजेपी वालों लए गए लोग विरोधी फैसलों बारे लोगों नूं जागरूक किया जाए। इस दौरान विधायक हरपाल चीमा ने कहा केंद्र सरकार वालों पास किए आर्डीनेंसा खिलाफ पार्टी वालों अंदोलन किया जाएगा। सरबतली बैठक च इन्हां तिना आर्डीनेंसा का विरोध किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़े कॉम टीवी। ਮੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਆਰੋਪੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ DSP ਨੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ। आम आदमी पार्टी ने भी 2022 च होने वाली पंजाब विधानसभा चोणों लई रणनीति बनाउणी आरंभ कर दिती है। अजिहे च आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह ने स्पष्ट कर दिता है कि पंजाब विधानसभा चोणों 2022 पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे नाल मैदान च उतरेगी। उन्हें कहा इस बारे फैसला चोणों के नेड़े होगा कि पंजाब की कमान किसके हाथ सौंपी जाएगी, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दरअसल आप नूं पंजाब विधानसभा चोणां 2017 च इस करके भी वड्डी हार का सामना करना पिया क्योंकि उन्हां कोल आखिरी पलों तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं सी। इसलिए पार्टी वह गलती दोहराना नहीं चाहती। पार्टी की कोर कमेटी के मैंबरों और विधायकों नाल हुई बैठक च उन्हां कहा कि नवजोत सिद्धू नूं पार्टी शामिल करने बारे अजे तक उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई। कोर कमेटी की बैठक च विधायकों नूं कहा गया कि पंजाब सरकार अते अकाली बीजेपी वालों लए गए लोग विरोधी फैसलों बारे लोगों नूं जागरूक किया जाए। इस दौरान विधायक हरपाल चीमा ने कहा केंद्र सरकार वालों पास किए आर्डीनेंसा खिलाफ पार्टी वालों अंदोलन किया जाएगा। सरबतली बैठक च इन्हां तिना आर्डीनेंसा का विरोध किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़े कॉम टीवी।